आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा लेंस मेकर्स फॉर चैप्टर, वही चल रहा था हमारा लाइट। लाइट में कौन सा चैप्टर है? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ेंगे, और कुछ कंडीशन रिक्वायर्ड टू अप्लाई द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या क्या कंडीशंस होंगी जिसमें हम लेंस मेकर्स फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ साइन कन्वेंशंस पढ़ेंगे, और लेंस मेकर्स फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले। तो आज की क्लास में हम इतना पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यस आप मुझे सर। बताओगे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ अ सिंगल कर्व सरफेस। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या पड़ेगा सिंगल कर्व सरफेस के लिए? कल लास्ट क्लास में किए थे, कौन यस सर। बताएगा? कौन बताएगा इसको? हैंड रेस करो जरा, कौन बताएगा इसको? एक हाथ उठा प्रीति का, सोनिया, प्रीति बनियाल बताओ। सर म्यू टू अपॉन बी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। सोनिया, इक्वल टू माइनस म्यू वन आर अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ये एक्चुअली में जो फोकल लेंथ का था, मेन जो फॉर्मूला था, क्या वो यही था? मेन जो फॉर्मूला था फोकल लेंथ का, इसके बाद में आता था एक्चुअली। वन अपॉन एफ के टर्म में, कब? जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख देते। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते थे? ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख देते थे, तभी ना आता था, कंडीशन थी ना वो ही। तो हमारा जो मेन फॉर्मूला था रिफ्रैक्शन थ्रू अ कर्व सरफेस का, क्या था? म्यू टू डिवाइडेड बाई वी माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। यही फॉर्मूला था एक सिंगल कर्व सरफेस का, ठीक है। तो देखो इसमें म्यू वन म्यू टू और आर क्या था, कोई बताएगा क्या? आपको हिंदी में लिख के बताया था कि म्यू टू क्या है और म्यू वन क्या है। सर म्यू वन जहां से लाइट आती है और म्यू टू है जहां से लाइट जा रही है। यस, म्यू वन है जहां से लाइट आ रही है, म्यू टू है जहां पे लाइट आ रही है, और यू और वी क्या है बेटा? यू और वी, यू क्या था हमारा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी क्या था? इमेज डिस्टेंस। आर क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्वेचर। कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर था, ठीक है। तो आज अभी हमने देखा कि रे शुड बी पैराएक्सियल, ये एक चीज देखी हमने, रे शुड बी पैराएक्सियल। म्यू वन म्यू टू इज द मीडियम विच लाइट रे एंटर, यानी कि आपको देसी लैंग्वेज जो मैं बोलू कि मेरा म्यू वन क्या था, जहां से लाइट आ रही है, क्या यही था म्यू वन? यस जहां जहां पर लाइट जा रही थी। लाइट जा रही है, यही हमने मैंने कल बताया था हिंदी में एकदम अच्छे तरीके से। और जो आपकी इस फॉर्मूले में यू वी और आर जो पुट की जाती थी, वो विद द साइन पुट की जाती थी, पुट विद द साइन। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला के लिए, कि लेंस में दो सरफेस होते हैं, होते कि नहीं होते? दो सरफेस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले माना कि ये कोई लेंस है, एल एन कोई लेंस है। इस पे एक साइड में, लेंस के दोनों साइड में, लेंस मेकर्स फॉर्मूला के लिए याद रखिएगा, ये कंडीशन होती है कि लेंस के दोनों साइड में सेम मीडियम होना चाहिए। मीडियम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक साइड आप एयर में रखो, दूसरी साइड पानी में रख दो, या फिर इस साइड में एयर है और इस साइड में वाटर है, ऐसा नहीं होगा। दोनों साइड आपकी लेंस के लिए सेम होनी चाहिए। अच्छा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला का यूज क्या है एक्चुअली?
देखो जैसे कोई बंदा आया, उसने बोला कि मेरी ना मुझे 1.5 सॉरी मुझे 1.5 फोकल लेंथ का लेंस बनाना है, बताओ मुझे कैसे बना। और मेरे पास ये मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, या फिर वो तो 2 है मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसा मटेरियल है मेरे पास ग्लास का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो मुझे ऐसा बनाना है लेंस जिसका फोकल लेंथ 1.5। तो फोकल लेंथ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी भाई, करनी पड़ेंगी कि नहीं। यस तो उस फोकल उन जो जिस फोकल लेंथ का हमें चाहिए लेंस, उस टाइप के हम क्या करेंगे, उस टाइप के हमें फॉर्मूले बनाने, कुछ डेरिवेशंस करेंगे, कुछ मतलब एक डेरिवेशन डिराइव करके एक फॉर्मूला बनाएंगे जिसमें हम μ1 μ2, जैसे ये जो μ1 है जिस एटमॉस्फेयर में रखा हुआ वो μ1, और जिस ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जितना है उसको, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को यूज करके एक ऐसा फॉर्मूला बना दें जिससे कि हमें जितनी फोकल लेंस का ऑब्जेक्ट वो चाहिए, लेंस चाहिए उतने का बना सके। जैसा कि आपने फॉर्मूले में भी है मेकर्स, मेकर्स मतलब क्या है, बनाने वाला। मेकर्स का मतलब क्या है भाई, मेकर मेक मतलब बनाना होता है ना, बनाना मतलब केला वाला बनाना नहीं, क्रिएट करना, बिल्कुल वो वाला बनाना। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कोई भी मटेरियल यूज करके लेंस को बनाना सीखें, लेंस को बनाना सीखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले जरा इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या ये P1 और P2 दोनों पोल्स होंगे इस लेंस के, दोनों दो सरफेस में मिलके बनाए ना, तो एक सरफेस का इधर पोल होगा और सरफेस का उधर पोल होगा, होगा कि नहीं होगा। सर, लो सिमिलरली ये सी क्या है हमारा, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नो नो नो, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2 है। देखो इस वाले सरफेस का ये जो है वन जो सरफेस है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है, इधर है, और इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोल सकते हैं। बीच में क्या है ये सी क्या है आपका, ऑप्टिकल सेंटर बोल सकते हैं, बीच में है ऑप्टिकल सेंटर। देखो ये बहुत ज्यादा थिन लेंसेस होते हैं, बहुत ज्यादा थिन लेंसेस होते हैं, तो हमने ये जूम करके बनाया है। एक्चुअली में ये कैसा होगा पता है आपको, एक्चुअली में कुछ ऐसा लेंस होगा, ऐसा लेंस होगा। एक सेकंड जरा कॉल आ रही थी कंपनी आपके बेस्ट कोऑर्डिनेटर, पता है लोगों हम क्लास में हैं फिर भी कॉल करते हैं, पता नहीं टाइम सबके पास है लेकिन फिर भी जस्ट वेट होता। ठीक है तो हमारा क्या है, यहां तक हो गया। तो देखो दोनों, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये क्या है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर, ये 2 है मान लो, ये 1 है, इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या इसी इसी सर्किल का पार्ट होगा ना, ये होगा कि नहीं, और ये वाला किसका सर्किल का पार्ट होगा, ऐसे ऐसे भी किसी सर्किल का पार्ट होगा, होगा कि नहीं, है यस सर, ना। तो देखो जरा इसको हटाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ये मैंने समझाने के लिए बनाया क्योंकि इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में। देखो जैसे ही हमारा यहाँ पे माना कि हमने ओ पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट से हमारी रे गई, रे जैसे ही इससे टकराई फर्स्ट सरफेस, अगर मान लो फर्स्ट सरफेस से टकराने के बाद क्या हुई, थोड़ी सी कहाँ पे जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है कि नहीं जा रही है, यस रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम। माना कि μ1 क्या है आपका, रेयर है, और ये लेंस क्या है आपका, डेंसर है, तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगी, पास आएगी नॉर्मल के, सिर्फ दूर जाएगी।
देखो, जाना चाहती थी ऐसे, जानी चाहिए थी ऐसे, तो उसने क्या किया, नॉर्मल से दूर भागी, तो ये दूर भागी इधर आ गई, इधर नॉर्मल की तरफ झुक गई। ये सी वन, देखो ये जो एन वन है ना, एन वन है नॉर्मल ऑन सरफेस वन, ये वन है, ये टू है, नॉर्मल ऑन सरफेस वन। सिमिलरली ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद में जाना चाहती थी इस पॉइंट, मतलब इस ओ का एक वर्चुअल इमेज बनेगा किस पे, आई वन पे बनेगा कि नहीं बनेगा वर्चुअल इमेज। जब आप सेकेंड सरफेस के लिए आओगे, सेकेंड सरफेस को क्या लगा, जैसे इस सरफेस पे आई, यहां से टकराने के बाद में क्या होगा, अब क्या हो रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है कि नहीं जा रही है ना भाई। रे रे कहां पर जाएगी, डेंसर से, अभी ये यहां पे गई नहीं है, यहां पे गई नहीं है, यहां पे सब एपियर हो रही है, हमें लगेगा कि ऐसी यहां पे जा रही है, सिर्फ फर्स्ट सरफेस की रिफ्लेक्शन किस बात, रिफ्रेक्शन फर्स्ट सरफेस से हुआ तब हमें लगा कि आई वन पे जाके मिलेगी ये, इसीलिए इसकी एक वर्चुअल इमेज बनी हमारी आई वन पे, वर्चुअल इमेज। अब ये जो वर्चुअल इमेज है, ये सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम है, याद है आपको, जो हमारा मिरर वाला फॉर्मूले, मिरर वाले जो कंसेप्ट पढ़े थे हमने, तो वहां पे क्या होता था, वर्चुअल इमेज और वर्चुअल कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट था कि नहीं था, पहले वाले के लिए जो ऑब्जेक्ट इमेज होती थी वो दूसरे वाले मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती थी, याद है। हमारा जो आई वन जो है ना, आई वन है वो सेकेंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम, जैसे ही हमने देखा कि हमारी रे यहां तक आ पहुंची, जैसे इस सरफेस से टकराएगी तो हमारा क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगी, नॉर्मल क्या है, एन टू, एन टू से दूर भागनी चाहिए, तो मतलब कहीं किधर जाएगी, देखो हमारी रे इधर आ जाएगी, एक्चुअल में रे आके यहाँ पे आई पे जाके, लेकिन ये कौन से सरफेस के लिए है, आई टू के लिए, टू के लिए इमेज कहाँ बन रही है, आई पे बन रही है, और वन के लिए इमेज कहाँ बन रही है, आई वन पे बन रही है, लेकिन टू के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, आई वन है, ये क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस टू, ये काम करेगा एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस टू के लिए, और यही काम करेगा किसके लिए, वर्चुअल इमेज, यही काम करेगा वर्चुअल इमेज फॉर सरफेस वन, काम करेगा कि नहीं बताओ। ये जो आई वन है दो करेक्टर प्ले करेगा, आई वन दो करेक्टर प्ले करेगा, आई वन एक तो प्ले करेगा, देखो फर्स्ट सरफेस से जब रिफ्रेक्शन हुआ था तो उसको क्या लगा था, हमारी रे यहां तक जाएगी, यहां पे आएगी, तो हमने उसको एक्चुअल में आई नहीं, तो हमने क्या किया, उसको एक्सटेंड किया और आई वन पॉइंट पे मिला दिया, इसका मतलब फर्स्ट सरफेस से जब रिफ्रेक्शन हुआ था, तो अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता तो हमारी इमेज कहाँ पे बनती, आई वन पे बनती कि नहीं बनती। सिमिलरली जैसे अगर सेकंड सरफेस लगा हुआ है, इसका मतलब ये लाइट को थोड़ा सा और डेविएट करेगा, जैसे ही हमने देखा कि लाइट को इसलिए डेविएट किया, तो हमारी लाइट कहाँ पे जाके मिल रही है, कहाँ पे जाके मिली, आई पर आई पे जाके हमारी इमेज, अब जाके जो आई पे जो इमेज बनी है वो कौन से सरफेस के कारण बनी है, टू के कारण, किसके कारण बनी है, टू के कारण इमेज, ये एक्चुअली क्या है, रियल इमेज है, रियल इमेज ड्यू टू सेकेंड सरफेस, ड्यू टू सरफेस टू बोल सकते हो इसको, बोल सकते हैं कि नहीं, ये इतना किसी को कोई दिक्कत यहां तक, नो सर देखो आपको बस इतना याद रखना है कि यहां से जब, जहां पर रे मिलना चाहती थी, यहां से जब रे गई सेकंड फर्स्ट सरफेस से रिफ्रेक्शन हुआ, तो हमारी रे जाना चाहती थी आई वन पॉइंट पे, मतलब फर्स्ट सरफेस के अकॉर्डिंग हमारी इमेज बनती आई वन, लेकिन सेकंड सरफेस ने क्या किया, गड़बड़ कर दिया, सेकंड सरफेस ने क्या किया, दोबारा से रिफ्रेक्शन कर दिया, जैसे ही दोबारा से रिफ्रेक्शन किया हमारा आई पे जाके करा, तो दोबारा से जब रिफ्रेक्शन हुआ एक्चुअल में लाइट गई कहाँ पे, आई पे, तो सेकंड, और जो आई वन था वो सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा, यहां तक क्लियर है सबको। यस अच्छा मुझे रेस्पॉन्स कम बच्चों का मिल रहा है, किसी को डाउट है क्या, नो सर।
नो सर। ओके ओके देन। अब देखो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये यू क्या है मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये हमारी क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फर्स्ट सरफेस की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फर्स्ट सरफेस के लिए। सिमिलरली ये वीएम से कुछ छिप रहा है यहाँ पर, ठीक है वी है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ वीएल की, देखो यहाँ पे यू क्या है हमारा, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आर वन आर टू, आर टू यहाँ से सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई, सी वन तक ऑप्टिकल सेंटर से सी वन तक क्या होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट फर्स्ट वाले की आर वन हो गई। अब देखो इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, अब इसका डेरिवेशन करते हैं। तो देखो यहां से देखोगे, मान लो यहां से कोई रे गई, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी था ना, इसीलिए मैंने ये अलग से बनाया, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है समझने में दिक्कत होगी। अब जरा इसको देखो सेपरेटली सेपरेटली, अभी हम देख रहे हैं फर्स्ट सर्फेस के, जैसे मान लो यहां से रे गई, ये क्या है म्यू एस, दोनों साइड में हमने मान लिया कि म्यू एस हमारा इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, इसका हमने माना म्यू एल, इसको क्या मान रहा है म्यू एल, म्यू एल मतलब म्यू फॉर लेंस, म्यू एल का मतलब है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर लेंस, ठीक है म्यू एल हमारा लेंस के लिए, म्यू एस हमारा जो अदर सर्फेसिस है उसका है, ठीक है। तो जैसे ही हमारी रे यहां से गई तो यहां से थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हुई, एक्चुअल में कहां जाना चाह रही थी ओ वन पे, तो ये ओ वन क्या करेगा फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज का काम करेगा, लेकिन सेकंड सरफेस के लिए किसका काम करेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यही था ना बोलो yes, है ना। तो हमारा अभी फर्स्ट सरफेस के लिए देख रहे हैं, तो फर्स्ट सरफेस के लिए वो फॉर्मूला लगाओ म्यू टू वाई वी माइनस म्यू वन वाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर, होगा कि नहीं ये फॉर्मूला फर्स्ट सरफेस के लिए, ओनली फर्स्ट सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस है ये सेकंड सरफेस है। देखो फर्स्ट सरफेस म्यू टू क्या है हमारा यहाँ पे म्यू एस है कि नहीं है, जिसमें लाइट जा रही है फर्स्ट सरफेस के लिए, देखो एक चीज याद रखना है, फर्स्ट सरफेस के लिए लाइट आ कहां से रही है, यहां से आ रही है, तो इसको क्या मानेंगे हम म्यू वन मानेंगे, और लाइट जा किस में रही है सेकंड सरफेस में, यानी कि जो म्यू टू होगा वो क्या होगा म्यू एल, म्यू टू जो होगा म्यू एल होगा, म्यू टू होगा वो म्यू एल होगा, और म्यू वन जो होगा वो म्यू एस होगा, होगा कि नहीं। यस सर। सिमिलरली अगर आप फर्स्ट सरफेस के लिए देखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी u होगी, और इमेज डिस्टेंस क्या होगी v1 होगी, भाई यहाँ इमेज फर्स्ट के कारण, अगर ये मान लो सेकंड सरफेस नहीं होता तो फर्स्ट के कारण तो आपकी हमारे पे o1 पे बन रही है ना इमेज, फर्स्ट इमेज। यस सर। हमारा ये क्या हो गई हमारी वी, हमारी ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस हमारी वी वन हो गई, और जो हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमारी यू हो गई। आर क्या है, आर आपकी आर वन है, आर क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट के लिए क्या है आर वन है, तो मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूं सारी वैल्यू, म्यू टू की जगह पे क्या पुट कर दो म्यू एल डिवाइडेड बाई वी वन माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाई यू इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाई आर। ये फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन तक क्लियर है सबको। हम क्या करेंगे सेकेंड सर्फेस, अब जरा सेकेंड सर्फेस के लिए देखिएगा लाइट कहां से आ रही है, क्या हमारी म्यू एल से लाइट आ रही है, जा किस में रही है म्यू एस में, तो इस केस में सेकंड केस में म्यू टू क्या होगा मेरा, म्यू टू क्या होगा म्यू एस बेटा, म्यू एस होगा इस केस में म्यू टू म्यू एस होगा, क्यों होगा क्योंकि देखो यहां से लाइट आ रही है तो आ किससे रही है और जा किस में रही है म्यू एस में, तो जा किस में रही है म्यू एस में, तो म्यू टू मेरा म्यू एस हो गया और म्यू वन क्या होगा मेरा म्यू एल। हाँ आपको वही फंडा याद रखना है, दोनों सरफेस को सेपरेट मानो, पहले अलग अलग सेपरेट मानो, अलग अलग सरफेस मानो, भैया जहां से लाइट आ रही है फर्स्ट सरफेस के लिए लाइट कहां से आ रही थी म्यू एस में से आ रही थी, जा किस में रही थी म्यू एल में जा रही थी, तो हमने म्यू टू को माना म्यू एल और म्यू वन को माना म्यू एस। सिमिलरली जब हम सेकंड सरफेस के लिए देख रहे थे तो लाइट सेकेंड सरफेस को देखो, लाइट ऑलरेडी हमारी लेंस के अंदर घुस चुकी है, ऑलरेडी लाइट लेंस के अंदर घुस चुकी है, जा कहां पे रही है म्यू एस में, तो जा कहां रही है म्यू एस में, तो म्यू टू क्या हो गया म्यू एस हो गया, आ कहां से रही है म्यू एल से, म्यू एल से आ रही तो म्यू एल क्या हो गया म्यू वन। क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब देखो यहाँ पे सेकेंड सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा आर टू,
हमने वही वैल्यू पुट की, म्यू टू हमारा म्यू एस हो गया, म्यू वन हमारा म्यू एल हो गया, और यू हमारा क्या होगा, यू देखो यहाँ पे वी वन होगा, क्योंकि आपको याद है ये कैसा काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सर्फेस। हाँ या फिर इसमें भी बोल सकते सेकंड सर्फेस के बाद में यहाँ पे इमेज बन रही है ना, तो ये क्या काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, इसको यही बोल देते हैं, इसको ये बोल देते वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, एक्चुअल में सेकंड सरफेस के कारण इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे बन रही है इमेज, इमेज फॉर सर्फेस सेकंड सरफेस, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमारा ये, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी मेरी वी वन, और इमेज डिस्टेंस क्या होगी मेरी वी, इमेज डिस्टेंस वी होगी ना, है ना, तो इमेज डिस्टेंस मेरी वी हो गई और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरी वी वन हो गई, और रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा आर टू है, तो ये सारी की सारी वैल्यू मैंने उसी फॉर्मूले में फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी मैंने, इस वाली इक्वेशन में म्यू टू की जगह म्यू एस बाई वी माइनस म्यू वन की जगह म्यू एल बाई वी वन इक्वल टू म्यू एस माइनस म्यू एल डिवाइडेड बाई आर टू। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। अब जरा लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे दोनों को ऐड करना है, ऐड कर देते दोनों को, जरा दोनों को ऐड करोगे तो देखो म्यू एल वाई वी वन और म्यू एल वाई वी वन ये कट जाएगा, दोनों एक दूसरे से कटेंगे कि नहीं दोनों, यस देखो देखो जरा देखो जरा, ऐड इक्वेशन वन एंड टू, तो हमने जैसे ही ऐड किया, ऐड जैसे ही किया हमने, तो देखोगे आप ये टर्म हमारा, ये टर्म और ये टर्म दोनों में सेम है, ऐड करोगे ये माइनस का है ये प्लस का, क्या ये दोनों कट जाएंगे, और लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, म्यू एस वाई वी माइनस म्यू एस वाई यू, यही बचेगा कि नहीं बचेगा, म्यू एस वाई वी माइनस म्यू एस वाई यू यही बचेगा, ठीक है। हमने क्या किया, म्यू एस वाई वी माइनस के म्यू एस वाई यू, और राइट साइड में पूरा पूरा आएगा म्यू एल माइनस के म्यू एस डिवाइडेड बाई आर वन प्लस म्यू एस माइनस के म्यू एल डिवाइडेड बाई आर। अब हमने क्या किया इसमें से म्यू एल माइनस के म्यू एस कॉमन ले लिया, अब देखो म्यू एल माइनस के म्यू एस कैसे कॉमन लिया है, यहाँ पर क्या मैं इसमें एक माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाले में इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं क्या, इसमें क्या किया मल्टीप्लाई माइनस वन कर दिया, माइनस वन का मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले में, अगर माइनस वन का मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो यहाँ पे माइनस आ जाएगी, ये साइन चेंज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, या फिर आप ये बोल दो या फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे देखो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब अब म्यू एल माइनस के म्यू एस कॉमन लिया हमने तो यहाँ पे क्या बचा वन बाई आर वन, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि हमने ये एक प्लस का है माइनस का है ये उल्टा है दोनों, एक्चुअली में यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा, अच्छा एक सेकंड आप कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए बता ही देता हूँ दोबारा से, ठीक है, म्यू एस बाई वी माइनस म्यू एस बाई यू इक्वल टू, देखो ये म्यू एल माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाई आर वन, देखो यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं, यहां से क्या किया मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लूंगा तो क्या होगा, ये म्यू एल है ये प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का म्यू एस बाई आर टू, ये क्लियर है कि नहीं है बताओ, कॉमन ले लिया है बस, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, तो भाई ये कंडीशन। अब आप क्या करो म्यू एस म्यू एल माइनस के म्यू एस कॉमन ले लो, यहाँ से म्यू एल माइनस के म्यू एस कॉमन ले लिया, बचा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, आ रही बात समझ में, अब जरा यहाँ से देखो कि हमारा इस साइड में क्या है म्यू एस कॉमन, यहाँ से भी म्यू एस कॉमन ले सकता हूँ क्या, यहाँ से जहां से हमने म्यू एस कॉमन लिया, यहां से म्यू एस कॉमन लो और इसके नीचे भेज दो, इधर क्या बचेगा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू एल माइनस के म्यू एस डिवाइडेड बाई म्यू एस इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, यहां तक क्लियर है, अब देखो म्यू एल इसको अगर अलग कर दो, म्यू एल बाई म्यू एस माइनस वन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ इसको, भाई इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, म्यू एस डिवाइडेड बाई म्यू एस वन हो जाएगा, तो मैं वही किया वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन प्लस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, यहाँ तक सबको क्लियर है बताओ, एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला यहाँ तक आ चुका है, एक्चुअल में हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो यहाँ तक हो चुकी है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो अगर मैं मान लू कि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है,
इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे। तो आपको याद हो रे कहाँ पे जाती थी, सेकंड फोकस पे आती थी। देखो आपको याद है सेकंड फोकस की डेफिनेशन क्या थी, कि अगर इन्फिनिटी पे रखा होगा तो रे कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी कि नहीं आएंगी। यस सर। अब ये रे जब पैरेलल आएंगी तो इससे टकराने के बाद में फोकस पे कंसंट्रेट होती थी, होती यस थी। तो सर। अगर तो हमारा जो इमेज कहां पे, यहीं पे इमेज बनती थी कि नहीं बनती थी। तो ये डिस्टेंस क्या हो यस जाएगी, क्या मेरी ये डिस्टेंस v इक्वल टू f हो जाएगी। अगर यस मेरा सर। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट यानी कि u इक्वल टू मेरा इन्फिनिटी है, तो क्या मैं v इक्वल टू f लिख सकता हूँ। ये हमने कल भी देखा था, v अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो v इक्वल टू f लिख सकता हूँ। तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को इसमें पुट किया, u इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे। अगर माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पुट किया तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ। यस क्योंकि इनफिनिटी से अगर किसी में डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, जीरो आता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, वन अपॉन एफ इक्वल टू म्यू एल माइनस के म्यू एस, म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्म एंड इट इज वेरी वेरी, समझ में आई बात। यस अच्छा अब इतना हो गया, अब जरा इक्वेशन इसको चलो मान लेते हैं इक्वेशन थ्री, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन फोर। अब यहां पे देखो कंपेयर करो जरा इक्वेशन थ्री और फोर, कंपेयर कंपेयर इक्वेशन थ्री एंड दोनों फोर। देखो इक्वेशन थ्री और फोर को कंपेयर करोगे तो राइट साइड देखो जरा, राइट साइड दोनों की सेम है कि नहीं है, राइट राइट साइड दोनों की सेम है। देखो म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, इसमें देखो म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। अगर राइट साइड सेम है तो क्या लेफ्ट साइड भी सेम होनी चाहिए, लेफ्ट साइड सर। सेम होनी चाहिए। तो हमारा एक और फॉर्मूला आ गया, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन और यू। ये आप सबने 10th क्लास में सुना होगा, सुना यस है सब लोगों ने, सब लोगों ने सर। 10th क्लास में, 9th 9th या 10th में, आपने 10th में सुना होगा वैसे ये फॉर्मूला, सब लोगों ने 10th क्लास में फॉर्मूला सुना होगा। ठीक है, तो सर। हमारे दो फॉर्मूले आ गए, एक आया हमारा वन अपॉन एफ इक्वल टू म्यू एल डिवाइडेड बाई म्यू एस माइनस वन इक्वल टू इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर। एक फॉर्मूला आया वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ। यहां तक क्लियर है सबको, यस किसी को कोई, किसी को कोई दिक्कत दिक्कत किसी को। नो ठीक है, अब हमने क्या किया, लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी कंडीशन देखते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं इसको। देखो सबसे पहले कंडीशन है हमारी रेस पैरा एक्सियल होनी चाहिए, पैरा एक्सियल मतलब जो जैसा आपको याद है पैरा एक्सियल थिन लेंसेस होने चाहिए। ये हम पूरा जितना भी हमारा ऑप्टिक्स चलता है ना वो पैरा एक्सियल रेस, सारी सारी रेस पैरा एक्सियल होनी चाहिए, लेंस आपके थिन होने चाहिए। दूसरा मीडियम ऑन बोथ साइड ऑफ द लेंस शुड बी सेम, आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में बताया था लेंस के यस दोनों सर। साइड का मीडियम क्या होना चाहिए, सेम। सेम होना चाहिए। और देखो आर वन इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट मीडियम दैट सरफेस ऑन व्हिच लाइट रे इंसिडेंट इनिशियली, लाइट रे इंसिडेंट इनिशियली। आर वन वो रेडियस होती है जिस पे लाइट रे पहले अटैक करती है, जैसे ये दो सरफेस है, जैसे ये कोई लेंस है, ठीक है ये आर वन है इसका, मान लो इसका आर। अगर मैं लाइट इधर से भेज रहा हूं तो मेरा आर वन क्या होगा, मान लो ये आर वन है मेरा 10, क्या होगा एक सेकंड यहां से हटाते हैं इसको नीचे लिखते हैं। जैसे मान लो कोई लेंस है मेरा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर मान लो 10 सेंटीमीटर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है मान लो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मेरा लाइट इधर से जा रहा है, अगर मेरा लाइट इधर से गया है तो मेरा आर वन क्या होगा, बताएगा कोई आर वन क्या होगा, 12 सेंटीमीटर। ट्वेल्व सेंटीमीटर आर वन 12 सेंटीमीटर, आर टू क्या होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर मेरा लाइट इधर से आ रहा है तो आर वन क्या होगा 10 सेंटीमीटर टेन सेंटीमीटर, और आर टू क्या होगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, जहां पहले टकराएगा वो आर वन, जहां बाद में टकराएगा वो आर। ठीक है, अब देखो यू वी आर वन आर टू एंड एफ,
हमेशा साइन के साथ लिखे जाएंगे, जो भी आपका साइन आएगा उसके साथ लिख। अब जरा देखेंगे हम साइन कन्वेंशन, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? कंडीशन समझ में आ गई सबको? फॉर्मूले के लिए कंडीशन क्या क्या चाहिए? ठीक है, अब जरा हम साइन कन्वेंशन हमने सारे के सारे वैसे देख रखे हैं। आप अगर देखोगे रे की डायरेक्शन में क्या साइन लेते थे, रे की डायरेक्शन में डायरेक्शन, रे की डायरेक्शन क्या लेते थे, पॉजिटिव। अपोजिट टू रे डायरेक्शन नेगेटिव, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ रे, वही साइन है। अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से रे की डायरेक्शन में नापोगे, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर आप कोई भी डिस्टेंस नापोगे, क्या वो पॉजिटिव होगी? बोलो yes, क्या अगर इससे अपोजिट डायरेक्शन में, रे की डायरेक्शन के अपोजिट नापोगे, क्या वो नेगेटिव होगी? yes, होगी कि नहीं? अच्छा, अब हम आते हैं जरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर पर बैठे हो आप, ऑप्टिकल सेंटर पर बैठे हो आप, मान लो यहाँ पर बैठे हो, आपको फर्स्ट सरफेस की इस आर वन को नापने के लिए किधर चलना पड़ेगा, रे की, मान लो रे की डायरेक्शन ये है, रे की डायरेक्शन में चलना पड़ेगा या उसके अपोजिट चलना पड़ेगा? फर्स्ट सरफेस आपको ये है ना डिस्टेंस, ये है आपकी आर वन और ये है आपकी आर टू, तो आप देखोगे यहाँ पे आप बैठे हो, आपको कैसे चलना पड़ेगा, इधर चलना पड़ेगा, इधर मतलब सेम ऑफ द रे डायरेक्शन, इसलिए आर टू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सिमिलरली आर वन को देखोगे आप, डायरेक्शन इधर है और चलना पड़ रहा है इसको इधर अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए आर टू क्या होगी, नेगेटिव। आर टू क्या पुट करेंगे हम इसको, नेगेटिव। आ रही बात समझ में? यस सर। यहाँ पे देखो ये भी चीज इसने थोड़ी सी और हिंट दी है कि U इक्वल टू अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपका रियल ऑब्जेक्ट है, U इक्वल टू V इक्वल टू नेगेटिव आ रहा है तो वर्चुअल इमेज है, U इक्वल टू प्लस पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और V इक्वल टू पॉजिटिव आ रहा है तो रियल इमेज है। ये हम क्वेश्चन से देखेंगे, ये रटने की जरूरत नहीं है, ये फील करने वाली चीज है, ये आपको फील आ जाएगी एट द एंड ऑफ द क्लास, आपको फील आ जाएगी। आपको साइन कन्वेंशन क्लियर है सबको? अब जरा एक क्वेश्चन करो, फर्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, फास्ट करो, थोड़ा सा फास्ट करो, टाइम काफी निकल चुका है। हैंड रेज करेंगे आंसर आने के बाद में। फोकल लेंथ फाइंड करनी है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला, नो इशू। कहीं से भी रे ले सकते हो, चाहे लेफ्ट साइड से आती हुई रे मान लो, चाहे राइट साइड से रे आती हुई मान लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आने वाला है दोनों से।
हुआ किसी का? एक बच्चे का आंसर आ चुका है, रिया चंदेल का आंसर आ चुका है। जो ओनली ऑन आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस कुछ भी नहीं है। रिया बेटा क्या आंसर आया? 24 सेंटीमीटर। हर्ष कहाँ? हर्ष क्या चल रहा है? हर्ष सर गला खराब है थोड़ी। फोकस नहीं कर रहे हो। सर 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर आया है राजकुमारी का। प्रीति बनियाल 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर। यस ओके सर। हर्ष सर 120 यार। कितना आ रहा है? हर्ष 120। 120। सबसे पहले प्रिया चंदेल के लिए ताले बजाओ। एकदम करेक्ट आंसर है, पहली बार में सबसे पहले आंसर दिया है, एकदम करेक्ट। आप लोगों ने जिन्होंने ट्राई किया उनके लिए वेल डन, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने एटलीस्ट ट्राई किया है। जो लोग सो रहे हैं क्लास में उनसे आप लाख गुना अच्छे हो। गलती किए हो ये मैं मानता हूं, लेकिन गलती से आप सीखोगे। जिन्होंने गलत किया है ना वो लोग अपनी गलती से सीखेंगे और अगला क्वेश्चन सही करेंगे, ये मेरा भरोसा है। लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है ना सो रहे हैं वो क्लास, उनका कोई पता नहीं वो क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ठीक, माना कि मैं एक चीज करा देता हूँ, एक चीज आप खुद से कर लीजिएगा कि माना मैं रे यहां से जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया, तो मेरा म्यू वन क्या होगा बोलो? बताओ म्यू वन क्या होगा? म्यू वन मेरा होगा वन। म्यू टू क्या होगा? म्यू वन जिससे रे आ रही है, म्यू वन से आ रही है, यहां से आ रही है वन से। म्यू टू क्या है मेरा? एल। म्यू एल है ये वाला, है ना? कितना? 1.5। अच्छा मेरा आर वन क्या होगा फिर? आर वन क्या होगा? ट्वेंटी जिस सर्फेस से सेंटीमीटर पहले टकरा रही है यानी कि 20 सेंटीमीटर। और आर टू क्या होगा? 30 सेंटीमीटर। अच्छा देखो आर टू प्लस का क्या होगा? प्लस का आर टू होगा या आर टू माइनस का होगा बताओ? देखो आर टू किधर होगा एक्चुअली में? आर टू का इधर होगा, आर टू आपका इधर होगा, ये वाला होगा आर टू, तो माइनस का होगा ना ये? होगा यस yes, कि नहीं? तो आर टू यस क्या होगा? माइनस का 30। ये आपका माइनस का 30 होगा। तो जरा फॉर्मूला बताओ क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला बताओ। वन अपॉन एल इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू, या फिर बोल दो म्यू टू के टर्म में लिख लो। हाँ म्यू वन टू के टर्म में लिख लो। म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, यही था फॉर्मूला। म्यू टू क्या है मेरा? 1.5। म्यू वन क्या है मेरा? वन माइनस वन, माइनस वन है ना? यस अब देखो वन अपॉन आर वन, आर वन क्या है मेरा? 20 माइनस वन अपॉन माइनस के 30। सर। बोल दो क्लियर है सबको? अब देखो यस एफ वन अपॉन एफ इक्वल टू, यहां से क्या बचेगा? 0.5 बचेगा सर। इनटू, यहां पे देखो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, जरा यहाँ पे ऐड कर लो जरा। 1/20 प्लस 1/30 कितना आएगा? 60 एलसीएम आ गया, आएगा 60 एलसीएम। यस सर। 3+2 होगा, 3+2 होगा कि नहीं होगा? यस है ना, 3+2 होगा यानी कि 5/60। 5/60 को क्या लिख सकता हूँ मैं?
लिख सकता हूँ, यानी कि 0.5 इंटू 1/12 होगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/24, 0.5 पहुंचा तो 2 हो गया, नीचे जाके 2 हो गया तो 1/24 लिख सकता हूँ। तो देखो 1/24 है इधर, 1/f है, दोनों के पैर ऊपर कर दो, सर नीचे कर दो, उल्टा कर दो, क्या मेरा f इक्वल टू 24 सेंटीमीटर आएगा? देखो सेकंड केस में आप ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, एक बच्चा बोलता है कि सर मैंने ना यहाँ से री मानी पहले, तो उस केस में क्या हो जाएगा, म्यू वन तो आपका 1 ही रहेगा, म्यू टू आपका क्या हो जाएगा 1.5 ही रहेगा, बस केस चेंज क्या होगा आपका, आर वन क्या हो जाएगा, आर वन 30 हो जाएगा, और आर टू क्या होगा, आर टू क्या होगा माइनस के 20 होगा कि नहीं। अब सेम फॉर्मूला लगा के आप इस तरीके से भी कर सकते हो, सेम फॉर्मूला लगा के आंसर सेम आएगा, डोंट वरी अबाउट इट, क्लियर है? यस सर, ठीक है, ये दोनों तरीके से आंसर है। इसको करो जरा, ये भी इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सेम मेथड है, ट्राई करो, भले ही गलत आए आंसर लेकिन ट्राई किया करो बच्चों, बिना ट्राई किए करने से होता है, पता है आपको, करने से होता है, सोचने से नहीं होता, ओनली सोच रहे हैं बस कि हो जाएगा, सोचने से नहीं, करने से हो, इसलिए करो। इसमें देखिएगा आर वन आर टू का कंफ्यूजन रहेगा कुछ, किसको नेगेटिव लेना है किसको पॉजिटिव लेना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। रे जिस डायरेक्शन में लो उसके अपोजिट जिसका भी मेजरमेंट हो रहा है उसको नेगेटिव लेना है, अदरवाइज पॉजिटिव लेना है। करो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ज्यादा नहीं लगाना, मैं थोड़ा सा ही लगवाता हूँ आपका, ज्यादा दिमाग लगवाता भी नहीं हूँ। फास्ट करो, इसके बाद प्रीवियस ईयर करना है एक। रिया चंदेल का आंसर आ चुका है, अभी वेट करते हैं थोड़ा सा और, वेट करते हैं रिया। और किसी का आंसर आया क्या? अनमोल वंशन का आया आपकी बार आंसर, कीर्ति शर्मा आप बताओ आंसर। 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। कीर्ति ना, राजकुमारी सर -24 सेंटीमीटर, -24 राजकुमारी का आ रहा है। अनमोल 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और किसी का, और रिया चंदेल 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। सोनिया चौधरी सर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर 24 ही आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चों का माइनस आ रहा है, कुछ बच्चों का प्लस आ रहा है। देखो यही मैजिक था, थोड़ा सा मैजिक था कि आपको, देखो माना कि इस डायरेक्शन से रे आ रही है, कलर अलग ले लेते हैं, माना कि इस डायरेक्शन से रे आ रही है, ठीक है। तो बताओ, अच्छा आप मुझे बताना जरा, म्यू वन क्या होगा मेरा, म्यू वन सर वन, म्यू वन क्या होगा, वन होगा,
म्यू टू क्या होगा 1.5 होगा। अच्छा अब मुझे बताओ कि आर वन क्या होगा मेरा, माइनस ट्वेंटी। जिन लोगों ने ना इसको नेगेटिव नहीं लिया है उनका गलत आया। वो देखो इसका अब सरफेस कुछ ऐसे है, तो देखो इसका गोला क्या इधर बनेगा कहीं, यस सर गोला इधर बनेगा, तो क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मेरा आर वन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और आर टू इधर होगा। आर वन आर टू कौन डिसाइड करता है, आर वन आर टू डिसाइड करता है रे किससे पहले टकरा रही है, जिससे टकरा रही है वो आर वन है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जिस डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हो पोल से सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से, अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से अपोजिट टू रे की डायरेक्शन में चल रहे हो तो नेगेटिव लोगे और सेम डायरेक्शन में चल रहे हो ऑप्टिकल सेंटर रे की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लोगे। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा आर टू है, ये मेरा आर टू, इसको नापने के लिए यहाँ से किधर चलोगे, इधर चलोगे यानी कि सेम रे की डायरेक्शन, तो आर टू क्या होगा मेरा बोलो 30 सेंटीमीटर। अब जरा सिंपल फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या है, 1/f = μ2/μ1-1। बोलो फॉर्मूला बोला करो ना साथ साथ, 1/r1-1/r2। ठीक है इसमें वैल्यू पुट करो जरा, म्यू टू क्या है, म्यू टू 1.5/(1-1)/r1 क्या है मेरा, आर वन बोलो माइनस की 20 माइनस माइनस 1/30। यहाँ तक क्लियर है सबको, कैलकुलेशन आपकी लमसम वही आ रही है सारी, कैलकुलेशन लमसम पिछले वाले क्वेश्चन जैसी ही है। देखो यहाँ से क्या बचेगा 0.5 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, हमने ये कैलकुलेशन की थी 1/12 आया था, इसको क्या लिख सकते हैं 1/24 लिख सकते हैं। अच्छा ये माइनस के 1/12 आएगा बेटा, क्योंकि देखो ये भी माइनस है ये माइनस, माइनस के 1/12 आएगा तो माइनस के 1/20 ये क्या है 1/f, तो f क्या आ जाएगा मेरा माइनस के 24 आएगा ना, 24 माइनस 20 लिख दिया मैंने, 24 आएगा। अरे ये 12 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, माइनस के 1/12 × 2 लिख सकता हूँ, 0.5 को 12 × 2 लिख सकता हूँ ना नीचे, 0.5 ला के 2 लिख सकता हूँ, तो 24 माइनस के 24 सेंटीमीटर इज व्हाट राइट आंसर। जिन लोगों का प्लस आया है ना उन्होंने सिर्फ छोटी सी मिस्टेक की है, रट लिया है कि आर वन मेरा हमेशा नेगेटिव होता है आर टू मेरा हमेशा पॉजिटिव होता है, ये रटना नहीं है, रटना नहीं है। जैसे जैसे सरफेसेस चेंज होंगे ना, मान लो कल को आपको कोई लेंस दे दिया ऐसा लेंस दे दिया, तो भाई इसमें R1 R2 दोनों नेगेटिव होंगे, मान लो इधर से रे आ रही है तो मेरा R1 = R2 दोनों नेगेटिव होंगे कि नहीं, सिमिलरली yes, अगर कोई लेंस ऐसे करके दे दिया, ऐसे करके दे दिया इधर से रे आ रही है तो अब देखोगे यहाँ पे R1 = R2 दोनों पॉजिटिव होंगे कि नहीं, yes, तो तैयार रहना, कंसेप्ट मत भूलो, रटो मत, फिजिक्स रटने से नहीं होती, कंसेप्ट याद रहेगा कभी गलती नहीं करो, क्लियर हुई बात ये, यस सर। अब जरा ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको करो, हाँ टाइम वो हो थोड़ा सा फास्ट करो इसको। अच्छा मैं कंसेप्ट बता दूंगा, कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना, ठीक है कंसेप्ट बता दूंगा। उसने क्या देखा, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, एफ दे दिया उसने, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन सरफेस इज डबल ऑफ अदर सरफेस, यानी कि R1 को मान लो आप R और R2 क्या मान लोगे 2R मान लो, डबल कॉन्वेक्स है। तो ध्यान से देखो डबल कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा, क्या यही वाला मेरा डबल कॉन्वेक्स होगा, यस सर।
तो अगर मान लो मेरा ये आर है और ये मेरा टू आर है, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा आर वन क्या होगा, मेरा आर होगा, और आर टू क्या होगा, मेरा टू आर होगा कि नहीं होगा, अगर इधर से रे आ रही है। यस सर। ये क्या है रे? म्यू वन क्या होगा, एफ एफ दे रखा है इसमें, एफ दे रखा है 25 सेंटीमीटर, एफ दे रखा है 25। अच्छा इधर कुछ दे नहीं रखा है तो हम एयर ले लेंगे, मान लो कि एयर से आ रही है, एयर मतलब म्यू इक्वल टू वन, तो म्यू वन क्या हो गया, मेरा म्यू वन वन हो गया। यस सर। और म्यू टू क्या होगा, म्यू टू, म्यू टू दे रखा है इसमें 1.5 दे रखा है। अब सिंपल फॉर्मूला लगा दो, सिंपल फॉर्मूला लगा दो यार, क्या होगा फॉर्मूला, वन अपॉन एफ इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू होगा, बोलो। Yes. अब देखो म्यू टू, अब सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है, म्यू टू क्या है मेरा 1.5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 1 अपॉन आर आर वन आर है माइनस, इसको क्या हम माइनस लेंगे इसको, प्लस आर टू को माइनस लेंगे 1 अपॉन माइनस 2 आर। अब इसको जब सिंपल सॉल्व करोगे, यहाँ से आर की वैल्यू वन, इसको वन अपॉन एफ को क्या लिखोगे, 1/25, तो यहां से देखोगे यहां से आएगा आपका 0.5, यहां से सॉल्व करोगे तो बेटा थोड़ा सा टाइम खींच रहा है आपका, ध्यान रखिएगा, तो यहां से 1/r + 1/2r क्या आएगा, ये 1/r + 1/2r, इसको जब सॉल्व करोगे तो r आ जाएगा आपका लमसम 18.75 सेंटीमीटर, आपका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आ गया है, तो दूसरे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है मेरा 2r है, यानी कि आर टू मेरा क्या होगा 2r होगा, यानी कितना हो जाएगा 37.5 सेंटीमीटर, और ये मेरा आर वन हो गया, आर ऑप्शन कौन सा होगा, सी करेक्ट। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है ओके, ये आपका रिटन सॉल्यूशन है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन ये हैं और 2 क्वेश्चन ये, 6 क्वेश्चन आपके लिए, 6 क्वेश्चन सबको करने हैं, याद रखिएगा। मैं किसी भी क्वेश्चन को बोल सकता हूँ, बेटा आप बताओ कैसे किया है, आज हमने क्या क्या पढ़ा है बताओ, लेंस मेकर्स फॉर्म, और इसके कुछ हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं बस, एनी डाउट? नो सर। मजा आया क्लास में, थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह देखे? यस यस। हाँ ठीक है, कोई ना, एक दो मिनट आपके एक्स्ट्रा हो गए, कोई दिक्कत नहीं, किसी दिन हम पहले भी तो छोड़ देते हैं आपको, मैं पहले भी छोड़ देता। Yes, sir. देखो फिर भी 4-5 बच्चे भाग गए, उन लोगों को शायद ज्यादा जल्दी है। ठीक है, फिर आपको अब आपकी क्लास होगी सैटरडे को, सैटरडे को मिलते हैं फिर। यस सर। थैंक यू सर। ओके यू वेलकम बच्चों। थैंक यू सर। बाय सर। वेलकम। यू वेलकम बच्चे। थैंक यू सर। बाय।